हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ इस बार हम काफी जल्दी मुलाकात कर रहे हैं। आफ्टर दैट कुछ हैं कहीं रिव्यू इट्स बीन अ वीक एंड आई थिंक हमने सोचा कि अभी। जरा अच्छा है कि अगर जल्दी जल्दी कुछ बात करेंगे तो अच्छा मजा आएगा. सो दिस अनदर ड्रामा दैट वी हैव टेकन अप, इट्स वेरी नाइस. आई रियली लाइक इट, आई एम एंजॉयिंग इट. इफ आई मिस अ फ्यू कपल ऑफ अर्ली एपिसोड्स तो उसके बाद की एपिसोड्स बड़ी मजे की हैं. बहुत खूबसूरत राइटिंग है. ड्रामे का नाम है यूं ही. राइटर हैं सरवत नजीर और इट्स करूं डायरेक्टेड बाय तिशामुद्दीन. मैं अब आप शिकवा बात कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं आप यूं ही के या बारे में? आपके कुछ बहुत मजे के करूं मैं शुक्रिया, आइडियाज थे इसके बारे में जिनसे मैं बहुत अग्री भी करती हूँ हंसी और अग्री टू डिसअग्री के उस पे नहीं हूँ. तो खैर, लेट्स हैव अ आपको पूरा लेट्स सी राइटर लेट्स डिसएग्री करने का, बट अगर स्टार्ट हो जाए तो यस, आई एम एंजॉइंग यू ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम फॉलोइंग इट रेगुलरली एवर सिंस इट स्टार्टेड। हर वीक के वीक मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहली शायद एक आध दफ़ा इस रहा हूँ कि मुझे कोई एपिसोड स्किप की और दो इकट्ठी एपिसोड्स देखनी पड़ी होंगी। सो बट येस, आई हैव फ्यू रिजर्वेशन, वो मैं डिस्कस करूँगा। सो ओवर टू यू, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज उसको इतना वक्त गुजर गया है कि अगर उसको लेकर चलूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. बट मैं लास्ट कपल ऑफ एपिसोड से लेकर जाऊंगी कि लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स हैव बीन ब्यूटिफुली रिटन. इतना मजे, इतना यू नो, इट्स ऑल्सो वेरी रेलिवेंट टू वट इज हैपनिंग इन आर सोसाइटी. यू नो, हमारे माशरे की यू नो दोगलापन इज बहुत, हम उर्दू में काफ़ी अल्फाज जो है ना बहुत खतरनाक भी लगते हैं, बट जो हिपोक्रेसी होती है, सोसाइटी और हिपोक्रेसी, उसके बारे में जो लिखा है सरवत नजीर ने वो बहुत अच्छा लिखा है. कहाँ आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा है, उसके बारे में बात की है. बेटों को जो उन्होंने डिफरेंट एक दिया है और बेटी का एक डिफरेंट आइडियाज दिए हैं. आई थिंक दादा जो हैं, मंजूर कुरैशी साहब जिन्होंने प्ले किया है दादा, दादा का कैरेक्टर जो लिखा गया है वो बहुत अच्छा लिखा है. बिकॉज हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बड़े होते हैं जो आई एम श्योर हमारे फैमिलीज में नहीं होंगे, बट हमारे कोई जानने के जल्दी जानने इसलिए में हो रहा कहीं है ना कहीं कि ऐसे होंगे जो इम्पोज जिससे करते पहले हैं कि अपनी तुम्हारी बातें लड़की हाथों से अपने गिर छोटों जाए, पर, और बस सुनने फिर और बगैर सोचे हावी समझे करने बस का उनको औजार लगता है चाहिए। क्योंकि वो बड़े हैं यही तो बात बेहतरीन जो हल, वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगी. जवानों का बजाय इलाज सोचे चलता है, कि हालात बदल गए हैं, क्या कर वक्त सकते हैं बदल गया है, उस लिहाज से और ये कुछ। राइटिंग बहुत अच्छी थी. आई टोटली एग्री व्हाट यू जस्ट सेड, खासतौर पे जो पिछली, आई डोंट नो इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 4, 5, 6 एपिसोड्स में भी। सो द मैसेजेस हैव बीन वेरी मच स्पॉट ऑन एंड दे आर वेरी रैशनल। और जो किम का कैरेक्टर है उसने बहुत अच्छे तरीके से, आई लव के हाउ शी एक्सप्लेन्स ईच एंड एवरी थिंग के अच्छा, तुम अपनी कज़न के साथ अफेयर चला रहे पाकिस्तान हो, में वो लोग राय सब वो कुछ सही छुप के है, करते तुम्हारी हैं, बहन किसी को पसंद करी वो गलत मोहब्बत छुप है, कर करते हैं, इसी तरह मतलब सारी नफरत चीज़ें छुप अच्छा कर वो करते झूठ हैं, बोल रहे, मतलब कि झूठ साजिश छुप कर कितना करते है, हैं, झूठ झूठ को अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ सोसाइटी तक कि में, सिगरेट भी छुप कर या करते हैं, हिपोक्रेसी को अप्रिशिएट किया जाता है, उसके जो वो बहुत ज़्यादा बेचारे रहे रिलेटेबल है हिपोक्रेट लोग. और उनकी लॉजिक्स जो है वो बहुत हंसी ज़बरदस्त है। मतलब यू कैन क्लियरली सी बन के व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, गई, अश्क तो बहुत भर अच्छा है। हाउ एवर, मुस्कुराहट किम का करेक्टर अब मुझे पसंद है, बट अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था, किम का करेक्टर वॉज वेरी, आई एम सॉरी इट्स बिट हार्श, बट इट वॉज वेरी पुअरली रिटन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब इट्स 2023, ड्रामा 2023 में चल रहा है, और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा टैकी भी है, मतलब कि आई मीन कब शी इज़ कमिंग फ्रॉम US, US से ना भी आ रही हो, अगर किसी और शहर से भी, पाकिस्तान के भी किसी शहर से आ रहे हो, तो जो उसकी अपब्रिंगिंग दिखाई हुई है दैट इज़ वेरी मॉडर्न, एंड व्हेन यू आर मॉडर्न मतलब तो आपका इंटरेक्शन होता है सारी जो सोशल मीडिया एप्स हैं उनसे, और उसके अलावा और न्यूज़ जो है दोज आर वेरी एक्सेसिबल टू यू। सो द वे शी एक्ट्स अराउंड द पाकिस्तानी सोसाइटी, शुरू के एपिसोड्स में दैट शी नोज नथिंग अबाउट टेररिस्ट वाली बात तो शुरू में चली, खैर अब तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है वो जो उसने टेररिस्ट वाला, बट अगेन शुरू के 8-10 एपिसोड्स में ना वो जो
था ना उसका किम का कैरेक्टर, आई डोंट थिंक सो इट्स मायाज फॉल्ट के, जारी बात है माया ने तो वही पढ़ना था जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसका तो, बट वो जो बैकग्राउंड है ना माया के कैरेक्टर की वो बिल्कुल स्ट्रांग है कि थैंक गॉड के जब टाइम गुजरे अब तो वो खैर यूज टू हो गई है ना उस हाउस होल्ड की, और अब उसे पाकिस्तान में आए टाइम हो गया सो अब वो उस तरह की बातें कम ही आती हैं, ऑल द बीच में कभी कभार आ जाती हैं जिसमें बंदा कहता है कि यार ये तो पता होता है वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हैविंग सेड दैट मुझे ड्रामे की ओवरऑल वाइब बहुत पसंद है, वो जो एक विंटेज वाइब है ना वो जो आती है एक वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सी ओल्ड स्कूल वाइब है, मुझे बहुत पसंद है। बट उसके साथ साथ जो बैगेज आया हुआ है ना, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि 90s, अगर यही ड्रामा 90s का होता ना तो बहुत अच्छा रहना। तो फिर जो किम के फ्लॉज है ना, जो किम को पता ही कुछ नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, तो वो काफी ज्यादा ना सेट हो जाता। इनको बेशक कंजर्वेटिव दिखाया हुआ है, बट मुझे बताएं ईफा, हैव यू सीन लेटली, यू आर फ्रॉम कराची एंड द ड्रामा इज फ्रॉम कराची, हैव यू सीन द लेडीज और द गर्ल्स वेयरिंग द ओल्ड स्कूल बुरका जो के, ये मेरी नानी ने पहना है लास्ट टाइम, लास्ट ईयर का, और ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी मेरी भी मेरी ग्रैंड फुफो उन्होंने पहना है, बट इवन शी स्टॉप्ड वेयरिंग इट ऑलमोस्ट 20 years बैक, शी स्टॉप्ड डूइंग इट। हम और चीज है कि आप हिजाब कर सकते हो, यू नो यू कैन बिल्कुल आप अगर स्कार्फ हम टाइप पहन सकते हो। अगर हम स्टाइलाइजेशन की बात करें तो आर डायरेक्शन की और एनी ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन की इस चीज में हम बात करें तो आई डोंट नो दैट कि ये इसी तरीके से लिखा गया था कि ये बुरके को वो कसावा बुरका होना चाहिए या फिर इट कुड हैव बीन जस्ट एन अबाया व्हिच इज बीन यूज्ड टू इन टुडेज जी वर्ल्ड और लाइक अ कवर ऑफ हेड जो आजकल बहुत आमतौर पे यूज हो रहा है। इवन आई अंडरस्टैंड दैट दिस हाउस इज shown a conservative house and there is no progression over there. But having said that, बिल्कुल आज हम आज के जमाने में रह रहे हैं और मुझे याद है कि जब मेरी आपसे बहुत इसकी अर्ली एपिसोड्स में बात हुई थी ना तो यही बात हुई थी और आई इवन सेड दिस टू अ कपल ऑफ पीपल जैसे आपने बोला कि पीरियड ड्रामा होना होता अगर 90s पे तो बड़ा अच्छा सा इसकी फील आती, अभी भी आ रही है मुझे तो बहुत, आई एम इंजॉइंग इट थरली। बट हैविंग सेड दैट जो एक पॉइंट हमें जिसपे एक एनालिसिस करने में मजा आता है वो भी तो बात करना होती है ना कहीं से कोई चीज तो निकलती है, वो ये है कि भाई जो सेटिंग दिखाई है वो पुराने दौर की दिखाई है। अ लॉट ऑफ पीपल डिसएग्री टू इट। आई रिमेम्बर आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड दैट शी इज लविंग दैट वाइब। आई अंडरस्टैंड वाइब अच्छी है, बट बट वाइब वो आई होप यू आई एम ट्राई आई हैव मेड द पॉइंट कि जिस तरह ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग आज के दौर में रह रहे हैं। वाइब हाँ अच्छी बात है, बट हम 2023 में भी तो रह रहे हैं ना, ये जो है ना थोड़ा सा मुझे लगता है। Now, if we, yes, हाँ, so बुरका perhaps if it could be an abaya or a hijab तो मतलब बहुत अच्छा अच्छा एक सा और बात होता। भी मुझे बताएं इफा, थोड़ी सी हंसने वाली बात है, मैं तो बहुत मजाक उड़ रहा है, जो सुरैया है वो बीए कर रही है, बीए में वो स्ट्रिप वाली वो उस तरह का यूनिफॉर्म होता है किसी कॉलेज का, वो स्कूल गोइंग यूनिफॉर्म यार कॉलेज में होते हैं यूनिफॉर्म, नहीं, यूनिफॉर्म कराची होते में हैं बट द होते हैं। वे शी हैज दैट स्ट्रिप वो जो शोल्डर्स पे से करते हैं उस तरह कॉलेज में। वालिद साहब का जो सीन था लास्ट एपिसोड, आई थिंक इट वाज लास्ट एपिसोड और टू एपिसोड्स बैक, एक सीन था जिसमें वालिद साहब आकर अपनी बेटी के साथ बैठते हैं, बशारत साहब जो बहरो सब्जवारी ने जिनका किरदार किया है और सुरैया माहा हसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज हर नेम, तो वो द फादर कम्स टू द डॉटर और उनके साथ बैठ के वो बातें करते हैं और वो क्या बेहतरीन डायलॉग्स लिखे हैं और उन्होंने, मैं एग्जैक्टली मुझे डायलॉग्स तो याद नहीं है बट अगर मैं समराइज करूं तो इट भावना वाज अबाउट द फैक्ट कि हम जिस कभी सोसाइटी में रहते बताया ही हैं नहीं, उसमें बेटा बाप का बेटी के पास हमारे आकर जैसे बैठ के घरानों इतनी में सारी बातें करना हो नहीं पाता, बाप बेटियों हमें को वक्त नहीं बहुत सी मिलता, बातें हमें नहीं बताते। हमारे वेरी वेल डन, बहुत मजा आ रहा है, इतना अच्छा उन्होंने बस आई थिंक बहुत ही बेहतरीन कहा जो उन्होंने लास्ट 4 एपिसोड्स में अपनी बेचारगी दिखाई है दैट ही वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज टू हिज फादर अबाउट हिज डॉटर, वो मान गए हैं, उन्होंने समझ लिया है कि नहीं मुझे अपनी बेटी के साथ देना चाहिए बट वो अपने वालिद को भी नहीं शर्मिंदा और
शर्मिंदा या नाराज करना चाह रहे हैं और बेटी को भी लेट डाउन नहीं करना चाह रहे। उस कश्मकश में जो उनकी एक्टिंग दिखाई ना, वो पोर्ट्रेयल बहुत उन्होंने अच्छा किया है। तो एक तो बहरोसब जवारी साहब ने बड़ा कमाल का काम किया है, डेफिनेटली उनको प्रेज, इट्स वर्थ प्रेजिंग। दूसरा, आई'd लाइक टू मेंशन समवन ओवर हियर, देयर टू कैरेक्टर्स विद आई वुड लाइक टू मेंशन एंड देन आई विल गिव इट टू यू। आई एम गोइंग टू मेंशन दाऊद कैरेक्टर प्लेड बाय बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ ने बहुत अच्छा प्ले किया है। बिलाल अशरफ के एक्सप्रेशंस, आंखों से, अगर मैं देखूं, मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट फिल्म थी सुपरस्टार, और सुपरस्टार के बाद ड्रामा था एक एक थी निगाह निगार। एक थी निगार में उन्होंने, आई डोंट नो, एक थी निगार में उन्होंने कुछ कमाल की एक्टिंग की थी, ठीक है। बहुत अच्छी और एक थी निगार के एक्टिंग। बाद से, एक थी निगार वाज हिज चेंजिंग हिज अच्छा वैसे ईफा, मतलब कि जो ओवरऑल फीडबैक मैंने एक दो जगह से सुना है, मतलब मैं खुद आई एम प्रेटी इनडिसाइसिव अबाउट बिलाल्स परफॉर्मेंस। मतलब कुछ लोग जो जनरल बात कर रहे हैं ना कि ही इज टू, क्या कहते हैं उसको, क्या राइट वर्ड, ही इज टू, मतलब कि ना स्टैटिक, मतलब कि एक्सप्रेशन लेस या स्टैटिक। ना के। आई डोंट थिंक सो, आई डू नॉट अग्री विद दोज पीपल। आई विल, यस, ही यूज्ड टू बी स्टैटिक इन सुपरस्टार और बिफोर दैट, बट बिलाल अशरफ हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम एक थी निगार। एक थी निगार में उनकी कमाल की एक्टिंग थी, और इधर यूही में भी ही इज डन इज रियली वेल। हिज आईज आर टॉकिंग। द लास्ट सीन विद किम वेयर ही हेल्ड हर हैंड, याद है वो वाला सीन जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि ऐसे अगर कुछ है तुम्हें ऐसे प्यार कुछ हो जाए, समथिंग लाइक दैट, और फिर हाथ पकड़ा था उसका। यू लुक एट हिज एक्सप्रेशन, हिज आईज आर स्पीकिंग। सो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत सारे ऐसे सीन है, बट मैं इन दो सीन्स के बारे में इसलिए बात करी बिकॉज हमारी याददाश्त में सबसे कुछ ताजा प्रयोग वो है। ऐसा हो गया। स्पेशली एक और सीन जिसमें दानियाल ने अपनी भाभी से, किम से, बदतमीजी की है कि तुम कौन होती है उसमें बात करने वाली, एंड ही स्लैप्ड हिज ब्रदर। You know, there are moments of him where you can notice that he has acted really well. So yes, Bilal Ashraf, from my point of view, I think he has changed, and there's an amazing change. The third person who's very close to my heart is my colleague, and who's back on screen after a long, long time. I think this is her first drama, Tazeen Hussain, who has played Iqbal. Iqbal has very less, dialogues. She doesn't speak much. बहुत अच्छा लड़का है। But it's like she's also talking. She's not speaking, but her eyes are talking. ही सो Her डीप। body is talking. She's deep. There's a pain. She's, ऐसा लगता है एक जब वो समंदर है, मतलब कि आप इकबाल को देखते हो, यू बहुत स्टार्ट फीलिंग हैवी, एक समंदर है उसके अंदर। आई नो, बिल्कुल वो सी, वो बहुत सारे जगहों पे जहां पे चलो वालिद साहब कहते हैं, उनके मंजू कुरैशी साहब देखो दादा जो हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि मैंने इसकी तुमने शादी बात तय ठीक कर करी दी है। है, सुरैया की शादी तय कर दी है। देयर आर मोमेंट्स वेयर यू कैन सी दैट इकबाल वांट्स टू से समथिंग। शी वांट्स टू रेज हर वॉइस। वो बताना चाहती है कि नहीं, आपने सही नहीं किया है, जल्दी कीजिए लेकिन जी, शी इज अनएबल टू जल्दी से इट, कहा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द प्रेशर, द काइंड ऑफ प्रेशर्स ऑफ हर हाउस। सो तजीन हुसैन, सुरैया आपने बताना कमाल का काम चाहती है अपने किया है, एंड जॉब वी के वांट टू बारे सी में। मोर ऑफ यू। बहुत प्लीज मजा आ रहा है, उसे एमए करवा और दीजिए अच्छा। बाकी सबके रोल्स बहुत मजे के हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू अबाउट अदर कैरेक्टर्स इफ यू लाइक मुझे टू ऐड मतलब इन, सो देखे दैट वी कैन रैप इट माया, अप। तो ऑब्वियसली मुझे माया बहुत, माया की एक्टिंग वैसे बहुत स्ट्रांग है। माया एक कंफर्ट जोन में अपने, वो हर रोल अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट मैंने शुरू में बोला कि उनका थोड़ा कैरेक्टर राइटिंग में मुझे थोड़ा मसला था, लेकिन बट उनकी ओवरऑल एक्टिंग और कन्वे करने का अंदाज, अपने मैसेज वगैरह बहुत फिट था। इसके अलावा हुस्ना, देयर इज वन कैरेक्टर हुस्ना जो के कजन है सुरैया दाऊद और दानियाल की, फूफो की बेटी है, वो बड़ा मजे का रिफ्रेशिंग सा कैरेक्टर है। वो थोड़ा सा स्टैंड लेने वाली बंदी है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। और बाकी उज्मा, उनका जो नाम है उज्मा बेग, उज्मा बेग, उज्मा बेग, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो किसी भी रोल में आ जाए वो फट लगती हैं, वो बहुत मजा आया। जो उनके हस्बैंड है वो द गाय समवन न्यू, मुझे नहीं पता उनका कौन है सो जो। ये जो उनके हस्बैंड है वो एक न्यू है, और हुस्ना का कैरेक्टर न्यू है, और दोनों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मैं बस ये कंक्लूड करूंगा, बाकी उसके बाद आप देख लीजिएगा। मैं ये कंक्लूड करूंगा कि इट्स नॉट हैवी, ठीक है, एक प्लेजेंट
मतलब जो भी है इसके अंदर, जो भी मेमोरेबल, फिर भी आई वुड हैप्पीली वॉच दिस ड्रामा ओवर तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था एंड ऑल अदर टॉक्सिक चीज़ें जो मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ किस तरह कॉन्टेंट आया. बीच में हल्की सी के थोड़े बहुत फ्लॉज वगैरह होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. सो बट आई विल गिव थम्स अप टू दिस ड्रामा एंड ह्यूज शाउट आउट टू एहतशामुद्दीन. उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत अच्छी डायरेक्शन है इसकी. सो एहतशामुद्दीन वी डेफिनेटली वी हैड टू टॉक अबाउट हिम इन द एंड, हमने किया, लेकिन बेहतरीन डायरेक्शन है, बड़ा मजा आता है हमेशा वो, एक चाहे वो स्क्रीन पे आकर काम करें या स्क्रीन के बिहाइंड काम करें, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने दिया है, उसको देखने में मजा आ रहा है. और यू नो जैसे हमने कुछ अनतही के लिए कहा था ना कि अनवाइंड करके देखने में मजा आता है, तो ही इज आल्सो द सेम, इट्स गिविंग यू द सेम स्वीट एंड सिंपल थिंग, नथिंग यू नो, यू डोंट फील लाइक यू वांट टू. हाँ, कुछ बुरा भी होता है ना तो इतना बुरा नहीं होता कि आप एकदम से डिप्रेशन में आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है, बड़ा सटल वे में तरीके से किया हुआ है. सो इट्स यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.